आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी प्रिंटिंग आपकी हैदराबाद की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपकी कौन सी वैकेंसी है, इसके नोटिफिकेशन संक्षेप में जानकारी मैं आपको दूंगा। इससे प्रीवियसली आपको पूरी जानकारी मैं नोटिफिकेशन की दे चुका हूँ। अब इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसके बाद मैं लास्ट में आपको संक्षेप में आपकी जो वैकेंसी निकली उसके बारे में बता दूंगा। फ्रेंड, उन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी निकली भर्ती के बारे में। आपकी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की वैकेंसी है, इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं 15 मार्च 2021 से, आपकी जो लास्ट डेट है 10 अप्रैल 2021 है, ठीक है। लास्ट डेट आपके प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन आपकी 25 अप्रैल 2021 है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करने की आपकी स्टार्टिंग डेट 15 से लेकर 10 अप्रैल है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं IBPS की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके सारे महत्वपूर्ण लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए सिंपल सा क्या करना है, अपना नाम देना है, फिर से दोबारा से फर्स्ट नेम देना है, फिर मिडिल नेम, दोबारा से मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर लास्ट नेम। यहाँ पे लास्ट नेम देने का मोबाइल नंबर, यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। ईमेल आईडी देनी है, यहाँ पे आपको डोमेन सेलेक्ट करना है, फिर इसी पूरी ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको उतारना है, फिर से कंफर्म ईमेल आईडी होने के बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो बेसिक प्रक्रिया सब में सेम रहता है, यहाँ पे आप नोट करेंगे तो हमें हर बार सेम ऐसी तरीके से आपको करना पड़ेगा जब IBS का रहता है। तो ये करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर आ जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे वहां पर आपको देखिए ओके का साइन बना हुआ आएगा, ठीक है। एक मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा, तो ओके के साइन में वहां पे आपको देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक बार सबमिट करने से पहले, यानी यहाँ पे आपको एक पॉपअप बना हुआ है ओके करने से पहले एक बार इन्फॉर्मेशन चेक कर ले, कोई गलती ना हो, ठीक है। ईमेल आईडी, नाम में कहीं किसी भी घर की गलती ना हो, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखिए फोटोग्राफ आ रहा है, तो यहाँ पे आपको गाइडलाइंस फॉर फोटोग्राफ की देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ की गाइडलाइंस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फोटो को आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गाइडलाइंस है वो एक बार चेक कर लीजिए क्या है। तो यहाँ पे आपको फोटो आपका 50 KB का होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन यहाँ पे आपको दे रखा 20 से 50 KB का आपका फोटो होना चाहिए, और सिग्नेचर यहाँ पे आपको दे रहेगा उसका डायमेंशन 240x240 पिक्सल, ठीक है, 20 KB से लेकर 50 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में भी आ रहा है जो कि 50 से 100 KB का होना चाहिए। इस तरीके से ये आपका ये डायमेंशन है उसको आपके हिसाब से आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है। फिर फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपको देखिए सुपरवाइजर प्रिंटिंग S1, सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोलर S1। तो यहाँ पे आपकी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करें। जैसे मैंने जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट हिंदी के लिए सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे आपको देखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी ST कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे आपको ST आपको देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन में जाकर आपकी जो वैकेंसी किस कैटेगरी, तो उसी के अनुसार यहाँ पे आपको आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं यस या नो करना है, जो फिजिकल डिसेबिलिटी 40% तो यस, यहाँ पे आपको फिजिकल डिसेबिलिटी टाइप जो कि आपके वैकेंसी के अनुसार है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद आपको फिजिकल डिसेबिलिटी से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको देखना है। आर यू आपको देखना है सफरिंग फ्रॉम सर्वर पैरालिसिस राइटिंग स्पीड इफेक्टेड, यस या नो करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है जब ये ऑप्शन एक्टिवेट होंगे, ठीक है। इफ यू नीड इफ यू यस देन नीड टू कंपलसरी एट द टाइम ऑफ, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, यस या नो करना है। वेदर यू डोमिनेट राइटिंग अफेक्टेड है, यस या नो करना है। यस से है तो आपको कंपलसरी टाइम एग्जामिनेशन में चाहिए, यस या नो करना है। आपको ड्यू इंटेंट तो सर्विस आपको स्क्राइब की जरूरत है, यस या नो कर सकते हैं। किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी, हिंदू जो भी आपका धर्म है यहाँ पे बताएं। यहाँ पे आपको बताना है क्या आपका धर्म माइनॉरिटी थी, यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्स सर्विस में नहीं, यस या नो करना है। तो यस करने का यहाँ पे आपको पीरियड ऑफ सर्विस आपको कितने समय के काम किया उसके मंथ को आप जानकारी देनी है, ठीक है। आर यहाँ पे देखिए आर यू ए डिफेंस पर्सन इन डिसेबल्ड ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी इन विद एनी फॉरेन कंट्री, यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ रहा है आर यू सीकिंग रिलेक्शन अंडर विडो डिवोर्सी वुमेन जुडिशली सेपरेट, यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में यस या नो करना है। आर यू इन सर्विस SPMCIL के एम्प्लॉई हैं, फुलफिल एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, हैव टू लीस्ट 3 ईयर सर्विस इन
लेफ्ट एस्ट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं इसके बारे में यस या नो करना है, यानी यहाँ पे आपको बताना है क्या पीएमसीआईएल की आपके इंप्लॉई हैं जो कि आपको फुलफिल एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके 3 साल की सर्विस है लेफ्ट एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो यस या नो करना है। ठीक है, यहाँ पे आर यू आपको यहाँ पे क्या आप इंटरनल कैंडिडेट है एस पी एम सी आई एल के जो एक्वायरिंग हायर क्वालिफिकेशन थ्रू द पार्ट टाइम कोर्स हायर, आपको पोजिशन यस या नो करते हैं, आपके इंटरनल कैंडिडेट है यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है आपकी नागरिकता, यहाँ पे आपको देखिए इंडियन है तो आपको सेंटर आपका एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है, तो मैंने हैदराबाद कर दिया, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बतानी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके बारे में बताएं, मंथ यहाँ पे बताएं। ठीक है, और ईयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, आपको जेंडर यहाँ पे बताना है मेल और फीमेल, यहाँ पे आपकी एज जो काउंट होगी 1/1/2021 के अनुसार, कि आपके ट्विन ब्रदर है यस या नो कर सकते हैं, तो नेम ट्विन ब्रदर का नाम बताना है, क्या वो मेल फीमेल है उसकी जानकारी देनी है, शादीशुदा है या नहीं उसकी जानकारी देनी है, फादर नेम मदर नेम स्पाउस नेम। ठीक है, एड्रेस यहाँ पे आपको देना है, एड्रेस की जानकारी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देना है, स्टेट सेलेक्ट करना है और पिन कोड यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, ये देने के बाद यहाँ पे आपको देखिए आपका जो है जीएसटी आप इंक्लूड आपका किस तरीके से करना चाहते हैं, एड्रेस को यहाँ पे दे सकते हैं कम्युनिकेशन या परमानेंट एड्रेस, तो इस तरीके यहाँ पे करने है। वैलिड योर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन गलती होगी तो यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बार अपनी पुनः अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन चेक करें, उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। ठीक है, जिसमें कोई भी एरर हो वो आप दूर कर लें। फिर इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपकी देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में जानकारी देनी है, आपने डिप्लोमा किया है। ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताने किस टाइप का डिप्लोमा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देनी होगी, फुल टाइम था पार्ट टाइम था उसके बारे में, आपने कब पास किया था, अपनी मार्कशीट पर जाके चेक कर सकते हैं, परसेंटेज यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, आपकी फर्स्ट क्लास थी सेकेंड क्लास थी उसकी जानकारी देनी है। इसी तरीके आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे आपको बताना है, आपने किस स्ट्रीम से किया उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसकी जानकारी देनी है। ठीक, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके बारे में बता सकते हैं, अगर आपने अदर है तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल देनी है, तो यहाँ पे आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी है। इसी तरीके से पास का कब किया था और परसेंटेज और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कंप्यूटर पे आपकी नॉलेज है, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट यस या नो करना है। यहाँ पे आपको देखिए वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल पूछी जा रही है, आपका नेम ऑफ एम्प्लॉय जिस आपके संस्था में काम करते तो उसका नाम, प्रेजेंट आपका अगर प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं यस या नो कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है डेजिग्नेशन आप किस पद पर थे, यहाँ पे आपको कब से लेकर कब तक काम किया, और यहाँ पे जानकारी अगर यहाँ पे आप यस है अभी प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं तो ये आपका डिसेबल हो जाएगा, नेचर ऑफ ड्यूटी और रीजन फॉर लिविंग यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा और एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका काउंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम ईयर आप यहाँ बता सकते हैं, आपका लैंग्वेज जो जानते हैं रीड राइट स्पीक यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हिंदी अंग्रेजी जो भी आपको भाषा आती है उसके बारे में आप कर सकते, वैलिडिटी डिटेल पे करेंगे, उससे पहले एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे, फिर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा पूरी इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ पे आप एग्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कन्फर्म करना है, फाइनल सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, उसके बाद यहाँ पे आप फाइनल सबमिट करें। ठीक है, और तो ये छोटी सी जानकारी थी किस तरीके से आपको जो फॉर्म भरना है उसके बारे में, जो कि आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की वैकेंसी थी। तो यहाँ पे हम उसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं, तो फ्रेंड मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है यहाँ पे देखते हैं, सुपरवाइजर की है, सुपरवाइजर टेक्निकल, सुपरवाइजर आईटी और सुपरवाइजर ओएल और आपका जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की है। ठीक है, तो ये आपकी जो वैकेंसी थी, टोटल नंबर वैकेंसी 12 है, यहाँ पे इनके बारे में दे रखा है आपको, यहाँ पे सुपरवाइजर प्रिंटिंग में फर्स्ट क्लास आपका डिप्लोमा प्रिंटिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह टेक्निकल फर्स्ट क्लास आपका डिप्लोमा, यहाँ पे आपका डिप्लोमा मांगा गया है, यहाँ पे सारे में आपका डिप्लोमा कंप्यूटर में साइंस में। तो इस तरीके की आपकी जानकारी थी जो मैंने बता दिया फ्रेंड, इसकी पूरी आपके नोटिफिकेशन की जानकारी मैंने अलग से अलग वीडियो बना रखी है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज जरूर बताएं, ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो देखने धन्यवाद।